आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी जो कि 13 सितंबर को है। अब गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो पूरे 10 दिन चलेगा, तो उस 10 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे गणेश चतुर्थी के दिन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आपको 11 उपाय बताएंगे और उनमें से कोई भी एक उपाय यदि आपने कर लिया तो आपकी किस्मत का जो ताला है वो निश्चित तौर पर खुल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और ये कोई भी कामना हो सकती है, चाहे विवाह की कामना हो, चाहे धन की कामना हो। और ये जो कामनाएं होती हैं वे व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी अहम होता है। तो चलिए हम आपको उपाय बता देते हैं। यंत्र शास्त्र के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है, तो गणेश चतुर्थी पर घर में इसकी स्थापना कीजिए। आप इस यंत्र की स्थापना और पूजन से बहुत लाभ होता है। इस यंत्र के घर में रहने से किसी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आपको बेइंतहा धन की इच्छा है तो इसके लिए आप गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान आदि करके भगवान श्री गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाइए। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दीजिए। ये उपाय करने से धन संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। अगला उपाय, गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके पूजन कीजिए। पूजा में श्री गणेश को हल्दी का 5 गांठ या 5 गठान श्री गणाधिपत्य नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर श्री गज वक्त्रम नमो नमः, श्री गज वक्त्रम नमो नमः का जाप करके चढ़ाइए। ये उपाय लगातार 10 दिन तक यदि आपने किया तो प्रमोशन आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं कर रहा है तो ये जो बाप है उन्हें करना है। यदि बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाइए और व्रत रखिए। शीघ्र ही आपकी बिटिया के विवाह का योग बन जाएगा। यदि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए, इससे उसके विवाह के योग बन सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर आप व्रत रखिए, शाम को घर में ही गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश को तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी प्रसाद से अपना व्रत खोलें और भगवान श्री गणेश से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ति करेंगे। गणेश चतुर्थी को दुर्वा जो होता है, जो घास होता है, दुर्वा के गणेश बनाकर उसके पूजन कीजिए। मोदक गुड़ फल मावा मिष्ठान आदि अर्पण कीजिए। ऐसा करने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद समीप स्थित किसी भी गणेश मंदिर में जाइए और भगवान गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इस उपाय से भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए मैं आपको बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी आपको एक ही उपाय करना है। एक ही उपाय से आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। गणेश चतुर्थी पर किसी गणेश मंदिर में जाएं और दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों को दान करें। कपड़े भोजन फल अनाज आदि दान कर सकते हैं। दान के बाद दक्षिणा यानी कि कुछ रुपये भी दे दें। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री गणेश भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियों की बाढ़ लगी हुई है तो आप गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाइए और गणेश मंदिर जाकर अपने परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन की परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। और 11वां उपाय हम आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों में भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। तीज चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है, तो इस दिन आप शुद्ध पानी से श्री गणेश का अभिषेक करें
और साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करें और बाद में मावे के लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में बांटते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यदि आपके किस्मत का ताला बंद है तो वो भी खुल जाएगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।